हेलो एवरीवन, करंट अफेयर के इस वीडियो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। सो आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर के करंट अफेयर की, जो हमारा एपिसोड 109 है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हमारे फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी याद में बनाया जाता है। एक बार इंग्लिश में भी देखते हैं, व्हेन इज नेशनल फार्मर डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे, ठीक है ना, राष्ट्रीय किसान दिवस जिसको हम बोलते हैं, वो मनाया जाता है। थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर। फार्मर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द बर्थडे ऑफ फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चौधरी चरण सिंह की याद में ये डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को, फार्मर्स डे। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, फार्मर्स के लीडर थे और उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की थी फार्मर्स को लेकर। ठीक है ना, इंडिया के अंदर फार्मर्स के जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जो उनको जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए या उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, वो उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। तो चौधरी चरण सिंह जी के याद में उन जो हमारे फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर थे, ये डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को, नेशनल फार्मर्स डे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में मैनुअल मारेरो क्रूज को किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, इक्वाडोर, जॉर्जिया, क्यूबा, कोलंबिया। रिसेंटली मैनुअल मारेरो क्रूज हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन, इक्वाडोर, जॉर्जिया, क्यूबा एंड कोलंबिया। इसका करेक्ट आंसर है क्यूबा। क्यूबा के प्रधानमंत्री के रूप में अभी रिसेंटली मैनुअल मारेरो क्रूज को बनाया गया है क्यूबा का प्रधानमंत्री। ये 1976 से जो प्रधानमंत्री की पोस्ट है वो वहाँ पे एबोलिश थी, यानी वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं था। ये 2019 दिसंबर में अभी इनको रिसेंटली वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अभी देखिए, ये है बेसिकली मिस्टर क्रूज, मैनुअल मारेरो क्रूज। ठीक, जो क्यूबा के प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, मिगुएल डियाज कैनाल। इन्होंने इनको अपॉइंट किया है मैनुअल क्रूज को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। ठीक है, क्रूज अर्लियर सर्व एज द टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द नेशन, यानी टूरिज्म मिनिस्टर थे पहले, उनको अभी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है क्रूज को। और 1976 से ये पोस्ट बेसिकली जो थी ये अबोलिश थी, यानी पोस्ट खत्म कर दी थी। किसके टाइम से, फिडेल कैस्ट्रो के टाइम से। ठीक है, जो जिसको वापस रिस्टोर किया है पोस्ट को 2019 के अंदर। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है हमको, मारेरो क्रूज को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया है क्यूबा का। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में पुरातत्वविद आर नागास्वामी, पुरातत्वविद क्या नाम है, आर नागास्वामी को कला, पुरातत्व, इतिहास और संस्कृति में उनके योगदान के लिए किस देश द्वारा सम्मानित किया गया है, भूटान, म्यांमार, मलेशिया, बांग्लादेश। रिसेंटली द आर्कोलॉजिस्ट आर नागास्वामी हैज ऑनर्ड बाई विच ऑफ द कंट्री फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट, आर्कोलॉजी, हिस्ट्री एंड कल्चर। इसका करेक्ट आंसर है डी, बांग्लादेश ने उनको, जो इंडिया के पुरातत्वविद है आर नागास्वामी को, अभी हाल ही में सम्मानित किया है। देखिए, ये है आर नागास्वामी, आर नागास्वामी है, उनको जो अभी ऑनर दिया है वो सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया है, जो कि ढाका में अभी ऑर्गेनाइज हुई है रिसेंटली। बांग्लादेश के जो कल्चर मिनिस्टर है केएम खालिद, उन्होंने ये उनको पुरस्कार दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने अधिकतम सीटें जीती है। कल 23 दिसंबर को ही झारखंड का रिजल्ट आया है। कांग्रेस, जेएम, जेएम का मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा, जेवीएम। रिसेंटली इन 2019 झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, विच पॉलिटिकल पार्टी हैज वोन मैक्सिमम सीट्स। इसका करेक्ट आंसर है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज्यादा सीट जीती है। देखिए इसका एनालिसिस, टोटल 81 सीट है पार्लियामेंट की, जिनके पास 41 सीट होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, अभी वहां के मुख्यमंत्री कौन है, अच्छा एक चीज बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, जिन्होंने कल ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्योंकि वो अपनी जो सीट से उसे हार भी गए हैं, और बीजेपी के थे ये, तो बीजेपी की सीटें बहुमत में आई भी नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने राज्यपाल को, रघुवर दास ने। अभी हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो कि जेएमएम और आईएनसी, यानी कांग्रेस और जेएम के जो जॉइंट पार्टी है उसके अध्यक्ष है। ठीक है, तो जेएमएम ने 30 सीटें जीती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीजेपी ने, उसके बाद कांग्रेस ने। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? विकास शर्मा, संजय गोस्वामी, सेतु रमन पंचनाथन, प्रमोद मिस्त्री। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन? NSF का मतलब क्या हो गया? नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर है सेतु रमन पंचनाथन को अभी ही इन्होंने NSF के डायरेक्टर के रूप में अमेरिका ने बनाया है। इनका पंचम भी, पंचनाथन जो इनका शॉर्ट फॉर्म है, इनको पंचम भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये है सेतु रमन पंचनाथन, इनको पंचन भी बोलते हैं। टू सर्व एज द 15th डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन। NSF के ये 15वें डायरेक्टर होंगे। ये अभी ऑलरेडी वहाँ पर है सिंस 2014 से। डॉक्टर पंचनाथन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ नेशनल साइंस बोर्ड, इसके मेंबर हैं वहाँ पे 2014 से। ठीक है ना, अभी इनको वहाँ का डायरेक्टर बनाया गया है। कहाँ का? NSF का, अमेरिका के अंदर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बॉलिंग में ICC महिला T20 विश्व रैंकिंग में किसे शीर्ष रैंक मिली है? यहाँ पे बॉलिंग की बात कर रहे हैं, रिमेंबर दिस थिंग, बहुत सारी जगह कन्फ्यूज करते हैं। यहाँ बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हम बैटिंग की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल भी बात नहीं कर रहे। राधा यादव, दीप्ति शर्मा, मैगन शर्ट, शबनम इस्माइल। हु हैज गॉट टॉप रैंक इन ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड रैंकिंग इन बॉलिंग? इसका करेक्ट आंसर है मैगन शर्ट, जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की है, उनको फर्स्ट रैंकिंग मिली है, और राधा यादव को बॉलिंग के अंदर सेकंड रैंकिंग मिली है। ठीक है, जो इंडिया की है, T20 विश्व रैंकिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए ये है मैगन शर्ट, जो मीडियम पेस बॉलर है ऑस्ट्रेलिया की, इनको फर्स्ट रैंकिंग मिली है, ICC T20 2019 की रैंकिंग रिलीज की है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। सेकंड रैंक बॉलिंग में राधा यादव को मिली है, और बैटिंग के लिए जो टॉप रैंक मिली है वुमेन्स T20 के अंदर ही बात कर रहा हूँ मैं, सूजी बैट्स को मिली है, जो कि न्यूजीलैंड है। तो तीन नाम है यहाँ पे, मैगन शर्ट को मिली है बॉलिंग के लिए फर्स्ट, राधा यादव को मिली है जो इंडिया से है, उनको सेकंड मिली है, और बैटिंग में फर्स्ट रैंक T20 के अंदर मिली है सूजी बैट्स को, जो न्यूजीलैंड से है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरी PRMC बैठक किस शहर में आयोजित हुई? नई दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, भोपाल। रिसेंटली द सेकंड PRMC मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन विच ऑफ द सिटीज? का करेक्ट आंसर है नई दिल्ली के अंदर रिसेंटली ये बैठक हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में, PRMC बैठक जिसको हम बोलते हैं। इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको PRMC के बारे में बताता हूँ। PRMC की जो फुल फॉर्म है वो है प्रोजेक्ट रिव्यू मॉनिटरिंग कमेटी, P फॉर प्रोजेक्ट, R फॉर रिव्यू, M फॉर मॉनिटरिंग, C फॉर कमेटी। मीटिंग फॉर द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट वॉज हेल्ड विद एम टू क्रिएट ए कॉन्क्रीट स्टेप इन क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी कॉरिडोर। जो बेसिकली ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये 130 किलोमीटर लंबा है, जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, इसके लिए जो PRMC की मीटिंग हुई है वो अभी रिसेंटली हुई है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम बांग्लादेश की बात करते हैं। ये बांग्लादेश का मैप है। ठीक, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, बाकी के जो स्टेट्स उसके आसपास है, रंगपुर, राजशाही, खुलना, ठीक है ना, सियालहट जो कैपिटल है उसकी, बांग्लादेश की ढाका है। करेंसी बांग्लादेश की टका है, बांग्लादेशी टका है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। बांग्लादेश की पॉपुलेशन अभी 2.11% है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की, और बांग्लादेश का 8वां नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में, लार्जेस्ट कंट्री है 8th नंबर की बांग्लादेश। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, 8th नंबर की कंट्री है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में UWW ने वर्ष के जूनियर पहलवान के रूप में किसे नामित किया है? महेंद्र सोलानिया, दीपक पूनिया, सोमेश्वर दास, वीरभद्र सिंह। रिसेंटली हु इज नॉमिनेटेड बाई UWW एज जूनियर रेसलर ऑफ द ईयर? इसका करेक्ट आंसर है दीपक पूनिया। दीपक पूनिया को अभी वर्ष के जूनियर पहलवान के रूप में उन्होंने नॉमिनेट किया UWW ने। इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखिए ये दीपक पूनिया का पिक्चर है। UWW की जो फुल फॉर्म होती है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्निंग बॉडी है जो कि रेसलिंग को गवर्न करती है। ठीक है, इंडिया के दीपक पूनिया जो कि हु वॉन ए सिल्वर इन 86 किलोग्राम कैटेगरी एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन सेप्टेम्बर वॉज नेम्ड जूनियर रेसलर ऑफ द ईयर बाई UWW। ठीक है, UWW ने इन्हें जूनियर रेसलर का खिताब दिया है वर्ष का, यानी 2019 का, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जिनको मिला था, दीपक पूनिया को सितंबर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल मिला था, उन्हें अभी खिताब दिया गया है जूनियर रेसलर ऑफ द ईयर का।
अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द नेशनल मैथमेटिक्स डे हैज सेलिब्रेटेड। ठीक है, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर। इससे पहले आपने जो आज हमारा पहला क्वेश्चन था वो था किसान दिवस, ठीक है ना, किसान दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर क्या था, 23 दिसंबर। और राष्ट्रीय मैथमेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, गणित दिवस, 22 दिसंबर को। ठीक है, देखिए नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर किसकी याद में मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुजन, जो कि इंडिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन उनको बोलते हैं, जो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं आप उन्हीं का ही है ये, रामानुजन का। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर 22 दिसंबर टू बी ए नेशनल मैथमेटिक्स डे, और ये किसने अनाउंस किया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था 26 फरवरी 2012 को, 125वीं जयंती थी रामानुजन की, उनकी 125वीं जयंती पे मद्रास की यूनिवर्सिटी में मनमोहन सिंह जी, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पुराने वाले, उन्होंने अनाउंस किया था कि रामानुजन की 125वीं जयंती के ऊपर कि हम इस दिन को यानी 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम से मनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पहले जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश। दिल्ली में जनता क्लिनिक पहले से ही चल रहा है, इसके अलावा ये चार ऑप्शन में से रिसेंटली किसने अभी स्टार्ट किया जनता क्लिनिक, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट जनता क्लिनिक। इसका सही आंसर है राजस्थान, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जनता क्लिनिक का अभी रिसेंटली उद्घाटन किया है। देखिए ये रिसेंटली उद्घाटन किया है चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने, फर्स्ट जनता क्लिनिक का वाल्मीकि बस्ती में मालवीय नगर के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जो क्या प्रोवाइड कराएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर टू पीपल लिविंग इन स्लम्स, जो स्लम्स के अंदर रह रहे लोग उनको प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केंद्र ने कितने वर्षों तक अमृत, अमृत का A4 क्या, अटल, ठीक है ना, अटल बिहारी से रिलेटेड योजना है, कितने वर्षों तक अमृत योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। रिसेंटली द सेंटर हैज अनाउंस टू एक्सटेंड द अमृत योजना पीरियड बाई हाउ मैनी ईयर्स, इसका करेक्ट आंसर है सी, 2 वर्ष। अमृत योजना थी वो मार्च 2020 तक थी, उसको अभी 2 ईयर के लिए एक्सटेंड किया है। ठीक है, थोड़ा एनालिसिस देखते हैं इसका, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, अमृत योजना, अमृत योजना का द सेंटर हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द मिशन पीरियड ऑफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत बाई 2 मोर ईयर। ठीक है ना, अमृत जो लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी ये योजना 25 जून 2015 को लॉन्च की थी। द इनिशिएटिव विल कंप्लीट, जो कंप्लीट जैसा मैंने बताया मार्च 2020 में होनी थी, अब ये मार्च 2022 में होगी, मार्च 2022 में कंप्लीट होगी। ठीक है, इस योजना का टारगेट क्या था, 139 लाख यानी 139 लाख वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराना और 145 लाख सीवर कनेक्शन प्रोवाइड कराना, और इसके अलावा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट, पार्क, ग्रीन स्पेस, LED स्ट्रीट लाइट, ये सब थे, बट मेजर था इसके अंदर 145 लाख तो सीवर कनेक्शन और 139 लाख वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराना, अमृत योजना का था, जिसको 2 साल के लिए अब एक्सटेंड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता, ये कल ही आया है इसका रिजल्ट, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, पैडमैन, अंधाधुन, हेलारो, उरी, ये 4 फिल्मों के नाम है, किसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता ये हमसे पूछा है। रिसेंटली विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसका करेक्ट आंसर है अंधाधुन, अंधाधुन फिल्म ने अभी रिसेंटली ये हिंदी फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। देखिए 66th नेशनल फिल्म अवार्ड, गुजराती मूवी जो हेलारो है उसने अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट फीचर फिल्म का, आदित्य धर, देखिए सारे नाम को ध्यान रखने, आदित्य धर जो डायरेक्टर है उरी के, उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है, अंधाधुन ने बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है, और अक्षय कुमार की जो मूवी पैडमैन थी उन्होंने बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू जीता है। तो 4 चीज़ें ध्यान रखनी है, बेस्ट फिल्म जो है गुजराती मूवी हेलारो, हिंदी में बेस्ट मूवी जिसको मिला है वो अंधाधुन, और सोशल इशू के ऊपर जो बेस्ट मूवी का खिताब मिला है वो पैडमैन को मिला है, और आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर का मिला है उरी के लिए। ठीक है, ये नाम इजीली ध्यान हो जाएंगे क्योंकि सारी मूवीज वगैरह से हम लोग बहुत इजीली कनेक्टेड रहते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में गैलापागोस द्वीप समूह में किस देश ने आपातकाल घोषित किया है, बहरीन, फिनलैंड, इक्वाडोर, उपरोक्त में से कोई नहीं।
विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन गालापागोस आइलैंड, ठीक है ना? इसका करेक्ट आंसर है इक्वाडोर। इक्वाडोर ने वहां पे अभी आपातकाल घोषित किया है। देखिए ये काफी सुंदर है ये आइलैंड। द गवर्नमेंट ऑफ इक्वाडोर हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन गालापागोस आइलैंड आफ्टर फ्यूल स्पिल्ड इन द गालापागोस आइलैंड, ठीक है ना? वहां पे ये फ्यूल स्पिल्ड मतलब वहां पे तेल फैल गया था, जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, उसके बाद वहां पे आपात घोषित किया उन्होंने। ए बैरेज कैरिंग 600 गैलन्स, है ना, 600 गैलन्स जो डीजल फ्यूल था वो वहां पे स्पिल आउट हो गया था, फैल गया था, इस वजह से वहां पे आपात घोषित किया है। कौन से द्वीप के अंदर? गालापागोस आइलैंड के अंदर, इक्वाडोर कंट्री ने जो वहां पे आपात घोषित किया, ठीक है। गालापागोस आइलैंड है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको नॉमिनेट किया हुआ है। किस तरीके से? मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, ठीक है। आप इसे पिक्चर से देख सकते हैं कि किस तरीके का ये आइलैंड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी रूपों से, सभी रूप मतलब तीन रूप है क्रिकेट के, कौन कौन से? T20 टेस्ट क्रिकेट और ODI वनडे इंटरनेशनल, सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। कागिसो रबाडा, वर्नॉन फिनलैंडर, जेपी डोमिनी, डिविलियर्स तो जैसे पहले भी हो चुके हैं रिटायर, हमको पता है ये 2018 में ही हो चुके हैं। विच साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट प्लान फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? इसका करेक्ट आंसर है वर्नॉन फिनलैंडर। वर्नॉन फिनलैंडर ने अभी ये घोषणा की है, ठीक है, तीनों फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। रिटायरमेंट प्लान आफ्टर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, ठीक है, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। द क्रिकेटर हैज प्लेड 97 मैच इन्होंने खेले हैं, जिनमें 1784 रन बनाए हैं, 261 विकेट लिए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में स्पेस फोर्स शुरू की है? जापान, चीन, जापान, चीन, रूस एंड USA। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड द स्पेस फोर्स? इसका करेक्ट आंसर है USA। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये स्पेस फोर्स स्टार्ट की है। देखिए ये इमेज है किस तरीके से इन्होंने ये स्टार्ट की है। डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली लॉन्चेज US स्पेस फोर्स। डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉन्च स्पेस फोर्स द फर्स्ट न्यू US मिलिट्री सर्विस इन मोर देन 70 ईयर्स, ठीक है ना? इन्होंने अभी लॉन्च की है डोनाल्ड ट्रंप के ने US की पहली मिलिट्री फोर्स, जो कि स्पेस फोर्स लॉन्च की है। इसी हमको ध्यान रखनी है।